सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम LDC एग्जाम संबंधी 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे। यह सेट नंबर 27 है। इससे पहले मैं 26 सेट बना चुका हूं। हालांकि बीच में 10 से 15 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उसके कई कारण थे, लेकिन कई बार फिर रिक्वेस्ट करने लगे तो मैंने वीडियो फिर से बनाया। हालांकि मेरे को कई प्रॉब्लम भी चल रही थी तो इसलिए मैं नहीं बना पाया था, या कुछ इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे दोस्तों जिसको लगता है कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि PDF जो दिया था उसके बारे में मैंने फिर उसको बंद ही कर दिया। और दोस्तों ये सब ठीक नहीं है, लेकिन जो बोलने वाले बोलते रहते हैं फिर भी जो काम करना है उसको करते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर एक पे। सर्विस बुक का वर्णन स्थापना मैनुअल का किस पैरा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों एक जो सर्विस बुक होती है उसका वर्णन स्थापना मैनुअल में प्रत्येक कार्मिक बल में भर्ती होने के बाद उसका एक बुक बनाया जाता है जिसको सर्विस बुक बोलते हैं। तो ए में दिया है पैरा 8.10, बी में 8.11, सी में 8.12 और डी में 7.4। तो दोस्तों पैरा नंबर 8.12 यानी चैप्टर 8 पैरा नंबर 12 में इसका वर्णन है सर्विस बुक का। प्रश्न नंबर 2, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का वर्णन स्थापना मैनुअल के किस पैरा के अंतर्गत होता है? तो जो एक हर व्यक्ति का यानी हर कार्मिक का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में एक रिपोर्ट लिखा जाता है जिसको वार्षिक रिपोर्ट बोलते हैं यानी कि ACR, उसका वर्णन किस में है? पैरा 8.10, बी में पैरा 8.11, सी में 8.12, डी में 8.14। तो वो यानी कि चैप्टर 8 के 14 नंबर में गोपनीय रिपोर्ट का वर्णन किया गया। प्रश्न तीसरा है, स्वेच्छा सेवानिवृत्ति कितनी सर्विस के बाद? ए में 22 वर्ष, बी में 20 वर्ष, सी में 25 वर्ष, डी में 28 वर्ष। तो 20 वर्ष के बाद। प्रश्न चौथा है, सेवानिवृत्ति सर्विस कितने वर्ष के बाद है? ए में 20 वर्ष, बी में 22 वर्ष, सी में 57 वर्ष, डी में 60 वर्ष। तो पहले क्वेश्चन ये 57 वर्ष था, लेकिन अभी सही है 60 वर्ष, डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, बी तोता, सी गोरिया, डी चिड़िया। तो मोर है। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय निशान क्या है? अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह, सी अशोक पिरामिड, डी अशोक चक्र। तो दोस्तों अशोक स्तंभ है। प्रश्न नंबर 7 है, RF की बटालियन कितनी है? ए में 13 बटालियन, बी 15 बटालियन, सी 14 और डी 16। तो RF की 15 बटालियन है। प्रश्न नंबर 8 है, CIT कॉलेज कितने हैं? ए में 3, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो अभी तक CIT कॉलेज 3 है, एक आसाम सिलचर में, बी दूसरा जो है मध्य प्रदेश शिवपुरी में है, और तीसरा आंध्र प्रदेश चित्तूर, एक जगह है वहाँ पे। प्रश्न नंबर 9 है, सराहनीय पद का वर्णन स्थापना मैनुअल के किस पैरा के अंतर्गत आता है? यानी कि जो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यानी जिसको भी कोई अच्छा कार्य करता है उसके बाद एक प्रशस्ति पत्र यानी कि सराहनीय पत्र दिया जाता है, उसका जो है स्थापना मैनुअल के किस पैरा में है? और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए में पैरा नंबर 8.20, बी में पैरा नंबर 8.21, सी में 8.12, डी में 8.14। तो दोस्तों इसका वर्णन 8.21 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, बल आदेश का वर्णन स्थापना मैनुअल के किस पैरा में? यानी कि जो बटालियन के अंदर या पूरी CRP के अंदर एक बल आदेश जिसको DFO बोलते हैं वो पब्लिश किया जाता है, उसका वर्णन किस में है? ए में पैरा नंबर 8.20, बी में पैरा नंबर 8.21, सी में पैरा नंबर 8.22 और डी में पैरा नंबर 8.14। तो 8.22 में उसका वर्णन है, यानी कि चैप्टर 8 पैरा नंबर 22 में। प्रश्न नंबर 11 है, कैरी अप्रूवल में क्रेडिट नोट रजिस्टर किस फॉर्म नंबर में है? फॉर्म 8, फॉर्म 9, फॉर्म 7, फॉर्म 5। तो फॉर्म नंबर 9 में इसका वर्णन किया गया है। क्रेडिट नोट का ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर 12 है, कैरी अप्रूवल में आइडेंटिटी कार्ड किस नंबर फॉर्म में है? फॉर्म नंबर 72, बी फॉर्म नंबर 77, सी फॉर्म नंबर 76 और डी फोन नंबर 71। तो 76 में आई कार्ड जो बनता है उसका फोन नंबर 76 होता है।
प्रश्न नंबर 13 है, केरिपू बल में सीए रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? ए में दिया है फॉर्म नंबर 19, बी में फॉर्म नंबर 21, सी में फॉर्म नंबर 22, डी में फॉर्म नंबर 24। तो दोस्तों फॉर्म नंबर 22 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 14 है, केरिपू बल में डिस्चार्ज रजिस्टर किस फॉर्म नंबर में है? फॉर्म नंबर 72, बी फॉर्म नंबर 73, सी फॉर्म नंबर 78, डी फॉर्म नंबर 75। तो फॉर्म नंबर 73 में डिस्चार्ज रजिस्टर का वर्णन है। प्रश्न नंबर 15 है, बलवा करने के लिए दंड आईपीसी की किस धारा में वर्णित है? ए में है धारा 143, बी में है धारा 147, सी में है धारा 145 या 146। तो बलवा करने के लिए दंड जो है धारा नंबर 147 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 16 है, स्टोर के लिए कितने नुकसान के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाती है? ए में 100 रुपये के लिए, बी में 200 रुपये के लिए, सी में 500, डी में 1000। तो 500 रुपये के लिए की जाती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, निलंबन के दौरान ड्यूटी का वर्णन किस नियम में वर्णित है? यानी कि किसी व्यक्ति को या किसी कार्मिक को जब निलंबित कर दिया जाता है तो उसका वर्णन किस नियम में है? नियम 27, बी नियम 28, सी नियम 27 का ए, बी डी नियम 27 का बी। तो नियम 27 का बी में वर्णित है। प्रश्न नंबर 18 है, उपनिरीक्षक आउटपोस्ट पर कितने दिनों की सजा दे सकता है? ए 15 दिनों की, बी 7 दिनों की, सी 30 दिनों की, डी 8 दिनों की। तो दोस्तों 15 दिनों की दे सकता है। प्रश्न नंबर 19 है, स्थानीय खरीदारी का वर्णन जीसीए स्थापना मैनुअल के किस पैरा में है? पैरा 7.2, बी पैरा 7.6, सी 7.3, डी 7.4। तो पैरा नंबर 7.3 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 20, चरित एवं सेवा पंजिका का वर्णन स्थापना मैनुअल के किस पैरा के अंतर्गत आता है? पैरा नंबर 8.2, पैरा नंबर 8.1, सी में पैरा नंबर 8.3, डी में पैरा नंबर 7.4। तो चरित एवं सेवा पंजिका का 8.1 में वर्णित है। दोस्तों जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि आप पे इस तरह की वीडियो आती रहे। मैंने 4-5 वीडियो अभी बनाई हैं, बीच में वीडियो बंद कर दी थी। ये कुछ नए क्वेश्चन मेरे को आए थे, ये पुराने क्वेम जो क्वार्टर मास्टर राइटर कोर्स है उसके रिलेटिव था, और कंपनी राइटर कोर्स किसी ने मेरे को 3-4 बार भेजे और काफ़ी रिक्वेस्ट किया। तो ये 3-4 वीडियो लास्ट की जो है मैंने उन्हीं से बनाई हैं, और इसमें कम से कम 30-40 क्वेश्चन आपके स्थापना मैनुअल से हैं, क्योंकि स्थापना मैनुअल से क्वेश्चन आते हैं और आपकी पहुंच स्थापना मैनुअल तक नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना और इसके बारे में वीडियो बना दी जाए। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए, और दोस्तों को भी शेयर कर दें। साथ ही साथ दोस्तों आप मेरे जो है एक वेबसाइट बनाया था, पहले बंद हो चुका था लेकिन फिर दोबारा उसको जो होस्टिंग कराया गया है, डोमेन नेम सेम है ldcandnetexam.com, वहाँ पर जाके, क्योंकि जो मैंने एक PDF भी दिया आप लोगों को, उसके बाद मैंने एक बुक और बनाई है दोस्तों, मैं बता दूँ वो आपको अमेजन पे मिलेगी, ई बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। आपने जिसने उसको पढ़ लिया, आप उसको पढ़ने के बाद अच्छे नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं। मैं इसके लिए ये बताता हूँ, जितना भी मैंने अभी तक आपको यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या कहीं पे भी तैयारी कराया किसी भी रिलेटिव, उसमें संपूर्ण है, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे कोई मैटर हो, तो चाहे फॉर्म संख्या हो, कुछ भी हो, तो आप उस बुक को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।